नमस्कार दोस्तों, हरियम स्टडी में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर एक। एक स्कूल की परीक्षा में 35% छात्र फेल हुए। यदि कुल 260 छात्रों ने परीक्षा दी तो बताइए कि कुल कितने छात्र पास हुए। देखिए, कुल छात्र कितना है? 260। इसमें से कहता 35% छात्र फेल हो गए, यानी 260 का 35% छात्र फेल हो गया। ठीक है, तो कितना छात्र पास हुआ ये हमको निकालना। तो देखिए, 260 का 35% अगर निकाल लेंगे तो फेल हुए विद्यार्थियों यानी फेल हुए छात्रों की संख्या निकल जाएगा। देखिए, फेल हुए छात्रों की संख्या निकल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। परीक्षा में फेल हुए छात्रों की संख्या, देखिए टोटल कितना छात्र है? 260। उसमें कहता है 35% फेल हो गया, यानी 260 का 35%। ठीक है, प्रतिशत का चिन्ह हटाए, नीचे में 100 लिख दिए। देखिए यहाँ जैसे किए, ठीक है, तो देखिए 10 काट दिए, 2 × 5 = 10 और 7 × 5 = 35 कट गया। इसको काटेंगे तो 13 × 2 = 26। ठीक है, तो 13 × 7 कितना हो गया? 91। यानी परीक्षा में फेल हुए छात्रों की संख्या कितना आ गया? 91। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या गया, तो बताइए कुल कितने छात्र पास हुए। चलिए, अब परीक्षा में पास हुए छात्रों की संख्या यानी पास होने वाले छात्रों की संख्या, परीक्षा में पास हुए छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या कितना होगा? देखिए टोटल कितना है? 260। 260 में 91 छात्र फेल हो गए, तो इसमें 260 में 91 घटा देंगे यानी माइनस कर देंगे तो आंसर निकल जाएगा। यानी परीक्षा में पास हुए छात्रों की संख्या 260 - 91। देखिए 260 में 91 माइनस करेंगे, 10 × 9 = 15, 6 × 9 = 9, 169। ठीक है, 169 छात्र परीक्षा में पास हुआ, ये हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दो। 35 छात्रों की किसी कक्षा में किसी दिन 28 छात्र उपस्थित थे, बताइए उस दिन कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुपस्थित थे। देखिए, एक कक्षा मतलब एक क्लास, वर्ग, ठीक है, वर्ग, एक वर्ग में कितना छात्र, देखिए 35 छात्रों की किसी कक्षा में, कोई वर्ग में 35 छात्र है, उसमें से कहता है किसी दिन, देखिए 28 छात्र उपस्थित थे यानी 35 में 28 छात्र आए थे, और क्या बोल रहा क्वेश्चन, बताइए उस दिन कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुपस्थित थे यानी कुल कितना प्रतिशत छात्र नहीं आए थे। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। अनुपस्थित छात्रों की संख्या, अनुपस्थित छात्रों की संख्या, देखिए टोटल कितना है? 35। 35 में 28 उपस्थित थे यानी आया था 28, तो कितना नहीं आया, तो 35 में माइनस कर देंगे 28, यानी 7 छात्र नहीं आए थे, अनुपस्थित थे, तो इसको प्रतिशत में बदलना है। तो देखिए,
अभीष्ट प्रतिशत। देखिए जैसे 100 नंबर में कोई 20 अंग लाता है, 100 अंग में 20 अंग लाता है तो कैसे लिखते हैं, 20/100। कोई 50 में 10 लाएगा, 50 नंबर में 10 तो क्या लिखते हैं, 10/50। तो उसी तरह टोटल 35 में 7 छात्र नहीं आए तो क्या लिखेंगे, 7/35। ठीक है, अब देखिए इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100% से गुना कर देंगे। देखिए इसको काटेंगे, 7/5 35 कट गया, 1/7 5/7। अब इसको काटेंगे, 20/5 100 कट गया, यानी कितना आ गया, 20%। ठीक है, यानी अभीष्ट प्रतिशत। देखिए अभीष्ट का मतलब क्या होता है, चलिए इसको एक उदाहरण के द्वारा समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए जैसे वह संख्या क्या होगी जो 20 से 10 अधिक हो, देखिए वह संख्या क्या होगी, यहाँ लिखेंगे वह संख्या 20 से 10 अधिक हो, यानी 20 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30, यानी वह संख्या कितना हो गया, 30। देखिए वह संख्या क्या होगी जो 20 से 10 अधिक हो, यानी 20 से 10 अधिक तो 30, तो वह संख्या 30। इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, अभीष्ट संख्या 20 और 10 जोड़े कितना हो गया, 30। देखिए अभीष्ट मतलब वही संख्या, देखिए जैसे यहाँ निकालें जो क्वेश्चन जो सवाल कर रहा हम उसी का जवाब दे रहे हैं। देखिए अभीष्ट संख्या जैसे कहता है 20 से 10 कितना अधिक है, सॉरी 20 से 10 अधिक है तो वह संख्या क्या होगी, तो वह संख्या 30 होगी, यानी वही संख्या, यानी उसी के बारे में हम लिख रहे हैं। ठीक है, उसी के बारे में, अभीष्ट का मतलब होता है उसी के बारे में। ठीक है, चलिए और एक उदाहरण के द्वारा इसे समझाने का कोशिश करते हैं। जैसे देखिए एक वर्ग में 50 विद्यार्थी है, इसमें और 20 विद्यार्थी शामिल कर दिया जाए तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगा, तो क्या लिखेंगे, कुल विद्यार्थी किसी वर्ग में 50 विद्यार्थी है और 20 उसमें शामिल कर देंगे यानी मिला देंगे तो 50 20 कितना हो गया, 70। तो देखिए कुल विद्यार्थी 70, इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। देखिए अभीष्ट उत्तर, ठीक है, 50 + 20 70। क्वेश्चन जो कह रहा है देखिए कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी तो 70, तो हमें लिख दिया अभीष्ट उत्तर, तो ये भी सही है। देखिए अभीष्ट उत्तर मतलब उसी के बारे में हम लिख रहे हैं जो क्वेश्चन कह रहा है कुल संख्या क्या होगा, यानी अभीष्ट उत्तर 70, यानी उसका आंसर, यानी अभीष्ट का मतलब हो गया उसी के बारे में या वही संख्या। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सोनू के पास 250 रुपया थे, उसने 50 रुपया पुस्तक पर खर्च किए, बताइए उसने कितना प्रतिशत धन पुस्तकों पर व्यय किया। देखिए 250 में 50 रुपया खर्च कर दिया, ठीक है, 250 में 50 खर्च कर देगा तो कितना बचेगा उसके पास, यानी 50 रुपया खर्च कर रहा तो लिखेंगे 50/250, इसको प्रतिशत में बदल देंगे। ठीक है, तो देखिए अभीष्ट प्रतिशत 50/250, ठीक है, गुना 100%। देखिए प्रतिशत में बदलने के लिए किसी भी भिन्न को, देखिए इसे 2/5 इसको अगर प्रतिशत में बदलेंगे तो 100/100 से गुना करते हैं, या इसे 2/5 × 100% से गुना करेंगे। ठीक है, देखिए 100% इसको हटाएंगे प्रतिशत को तो क्या हो जाएगा, 100/100। ठीक है, यानी इससे गुना करें या 100% से। ठीक है, तो देखिए इसमें 100 100 काट दिए, अब देखिए अब इसको काटेंगे तो कितना, 5/5 25 कट गया, 5 से इसको काटेंगे, 20/5 100 कट गया,
इतना आ गया 20%। यानी 250 में 50 रुपया खर्च किया, कितना प्रतिशत? 20% वो खर्च करता है। ठीक है, ये हो गया आंसर। ठीक है, वीडियो यहाँ अंत करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।